नमस्कार दोस्तों, चलते चलते आ गया जी मई का महीना। तो क्या हाल है कन्या राशि वालों, जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इस मई के महीने में। तो जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपका जॉब, बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपके अपकमिंग सिचुएशंस, जानते हैं आपकी हेल्थ और क्या एडवाइस है आपकी लाइफ में और आपकी लव लाइफ में क्या होगा इस बारे में भी जानेंगे। इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए भाई? किसी ने धोखा दे दिया, कोई छोड़ के चला गया, या कोई इतनी मेहनत करी किसी चीज को पाने के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से चली गई। दिल दुखी हो गया। दुखी नहीं हो ना, पता है जब कोई चीज जाती है तभी तो कोई नई चीज आती है, और अगर कोई चीज चली गई है तो हो सकता है वो आपके लिए नई थी, कुछ नया आने वाला है और कुछ बेहतर आने वाला है। देखो परमात्मा क्या कहता है कि मैं तेरे को बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा, भरोसा रख कर तो देखो, है ना। तो अगर ऐसा कोई सीन है और ऐसा कुछ हो गया है तो डिसहार्टेड नहीं होना यार, क्या हो गया, लॉस हुआ, कोई नहीं, पैसा है फिर कमा लेंगे, क्यों अपनी सेहत को खराब करना है रातों को ना सोके, क्यों चिड़चिड़ करके लोगों से झगड़ा करके कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, अपनी हेल्थ खराब कर ली है और कुछ भी नहीं। जब कभी भी ऐसा होता है तो आपको पता है आपका ही नुकसान होता है। कभी कभी अगर अकेला रहने का मौका मिल रहा है तो रह लो, है ना। कई बारी दिल करता है कहीं दूर चले जाओ, अकेली जगह पे जहाँ सिर्फ खुला आसमान हो, सितारे हो, सामने पानी हो, बैठकर देखो कुछ नहीं तो अपने घर की छत पे चले जाओ, अकेले में रात को उस चमकते हुए सितारे को देखो, देखो कि वो भी तो अंधेरे में एक सितारा है जो चमक रहा है, तो आप क्यों नहीं चमक सकते। अगर आज अंधेरा है एक छोटा सा कैंडल लगा लो, अपने आप सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। वक्त और दिन और समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज अंधेरा है, आज रात है, तो कल सवेरा होगा, है ना। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात की शर्त है कि अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, उस दिन आप खड़े हो जाओगे। हर मंगलवार रेड कलर के कपड़े डालने शुरू करो, और अगर नहीं डाल सकते तो हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, अपने मंगल को बलवान करो। जैसे ही मंगल ठीक होगा ना, आप में पावर आ जाएगी, और जैसी पावर आएगी सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। कितने प्लान बनाए, सब चौपट। हो सकता है ऊपर वाले का कुछ नया प्लान हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। होता है ना ऐसा, अरे यार इतना प्लान बनाया यार, सब प्लान चौपट हो गया, सब कुछ खराब हो गया, इतना लॉस हो गया। नहीं था आपके लिए, समझो जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी वो चली गई। अब आपको ज़्यादा सोच के, दिमाग लगा के, अपनी नींदें खराब करके, अपनी हेल्थ को खराब करके कुछ मिल रहा है, कोई फायदा है? बीपी अप डाउन हो रहा है, शुगर बढ़ गई है, कोई फायदा हो रहा है? कमर में दर्द है, सर में दर्द है, कोई फायदा हो रहा है? चिल, शांत। अब सुनो क्या होने वाला है। एक हफ्ते बाद जब भी आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले जब भी इस वीडियो को देखोगे उसी दिन या उसके कमिंग ट्यूजडे को एक हनुमान जी का त्रिकोण झंडा लेके आना है, और अपने घर की छत पे या अपनी बालकनी के साउथ ईस्ट या साउथ में उस झंडे को लगा देना है। रेडी ऑरेंज कलर का मिलेगा, ठीक है। उसके लगाते ही एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद कुछ ऐसा होने वाला है आपने सोचा भी नहीं होगा। कर्जा चढ़ गया है वो भी उतर जाएगा, पैसा रुक गया है तो आना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है लव लाइफ में कुछ ऐसा हो गया हो, दिल टूट गया हो,
कि कोई छोड़ के चला गया चली गई तो कोई नया आ जाएगा। कहते हैं ना, बस चली गई दूसरी आ जाएगी, ट्रेन चली गई दूसरी आ जाएगी, लड़की चली गई दूसरी आ जाएगी। बट अपना माइंड सेट ठीक करो, इतना इमोशनल नहीं बनते, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, चीज़ों को सही तरीके से देखो, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। कमिंग 1 महीने बाद, कमिंग 3 महीने बाद आपने मुझे मैसेज करके थैंक यू बोलना है, कन्फर्म्ड बोल रही हूँ मैं। और अभी तक आपको पता है कि मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ों को शुगर कोटिंग करके नहीं बोलती, जो दिखता है जो आता है वही बोलती हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए जानते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। अजी वाह वाह वाह, लो जी सन का कार्ड आ गया, सोर्सेज आ रहे हैं आपके पास, शनि का कार्ड आ गया, स्ट्रक्चर। अपने आप को हील करो यार, हैं, थोड़ा हील करो अपने आप को, कुछ बनाओ, अपना रूटीन स्ट्रक्चर करो, एक रूटीन बनाओ, जिम जाओ, दोस्तों से मिलो, डांस क्लास जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ सुकून मिले, कुछ नहीं तो कहीं खेलने ही चले जाओ, कहीं घूमने ही चले जाओ, कहीं ड्राइव पे चले जाओ, पर थोड़ा समय अपने आप को हील के लिए लगाओ। जैसे अपनी हीलिंग करोगे ना, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, बिंदास जीने का, एकदम बिंदास। और ज़्यादा टेंशन हो तो यार मुझे मैसेज कर दो, अपॉइंटमेंट बुक कर लो, मैं देख लूँगी क्या करना है, रिसेप्शन तो है। अब अपनी अथॉरिटी फिगर में आ जाओ, और आप आ सकते हो, सन का कार्ड आया है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में नहीं आते, कई किस्मत इतनी अच्छी होती है बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, कई है दिन रात मेहनत कर करके कर करके कर करके अपनी जिंदगी बनाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, अच्छा है ना, किसी से लेके खाना तो नहीं पड़ रहा, कोई आप पे आके हक तो नहीं जमा सकता कि यार हमने दिया हमने खिलाया, सेल्फ मेड आप हो। ऑब्स्टिकल आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम पे, फॉर श्योर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करना, सबसे पहले तो कुत्तों को दूध पिलाना शुरू करो, नहीं तो रोटी खिलाना शुरू करो। और ज़्यादा कुछ, बहुत टेंशन ज़्यादा लग रही है तो एक छोटा सा काम कर लेना, नीला फूल लेना, पर्पल नीला फूल आराम से मार्केट में मिलता है, उसको शनिवार को खरीद के अपने सर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी बहते हुए नाले में फेंक देना, ठीक है, शांत, एकदम शांत, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पर्सनल लव लाइफ की, भाई वो तो बहुत जरूरी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो टूटे हैं। देखो लाइफ में सब्र करना बहुत बड़ी चीज़ है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान सोचता है, अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव सोचता है, उसके साथ वैसा ही हो जाता है, तो आप जैसी चीज़ सोचोगे ना वैसी अट्रैक्ट हो जाएगा। आप प्लेफुलनेस की एनर्जी से पहले बाहर निकलो, बिकॉज यू डिजर्व अ ट्रू लव। और अगर ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना तो एक्सेप्ट कर लो, मुझे लग रहा है कि कोई पुराना ही आ रहा है, और थोड़ा ध्यान ये रखना कि उनका जो फेस मास्क है ना वो उतरा हुआ हो, तभी आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया हो सकता है। अगर कोई रिलीजियस फैक्टर्स हैं तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपके आसपास कोई तो ऐसा है जो मास्क लगा के कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट ये फॉर श्योर है कि आपका रिलेशनशिप खराब किया गया है, वो खराब था नहीं, क्योंकि लोगों ने अपनी चेहरों पे मास्क लगा के आपका ब्रेन वॉश किया या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया। बट नाउ इट्स अ टाइम फॉर द यूनिवर्सल कॉल, यूनिवर्सल कॉल आएगा और आपका रिकंसिलेशन कन्फर्म्ड हो जाएगा। उसके अलावा फिर भी आपको लगे कहीं पे आपको मेरी ज़रूरत है तो नीचे दिए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस टू फिक्स योर पर्सनल अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा अगर कोई और जानकारी चाहिए। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन।